हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए दो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, आजकल थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं तो प्लीज़ देखिए एंड अगेन पहले की तरह सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से बालों को रखा है एंड इसको अच्छे से कॉम कर लिया है। कॉम करने के बाद से हाँ, और एक और टिप्स देने वाली हूँ, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा सा टिप्स बताइए। तो एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेके आ गई, मैंने आपसे पहले भी वीडियोज में बताई होंगी, आप विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हो एंड इसको पंक्चर करके आप सिंपली सीजर की मदद से पंक्चर कीजिए एंड स्कैल्प में इस तरीके से डायरेक्ट इसका जो जेल है, ये देखिए इस तरीके से जेल निकलता है, इसमें से मतलब ऑयल निकलता है, इसको स्कैल्प पे डायरेक्ट इस तरीके से गिराइए। और आप चाहो तो किस जो ऑयल सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल उसमें आप इस तरीके से मिक्स करके इसको लगाइए तो आपका जो हेयर फॉल है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और इसका एक और टिप्स है, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, एजिंग आ रही है, झुर्रियाँ पड़ रहा है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल्स लगाओगे तो आपका उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी जल्दी इफेक्ट करता है ये और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसको मैंने खुद यूज किया है, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पूरे बालों में लगाने जा रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल्स एंड कल सुबह में वॉश करूँगी मैं इसको। अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो 24 घंटे तक, उसके बाद वॉश कर लीजिए। ऑयल बहुत ज़्यादा बालों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि डर्ट के वजह से अभी आपका हेयर फॉल होने लग जाता है। तो अगर आपने ऑयल लगाया है तो या तो एक दो घंटे के बाद वॉश कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो आप रात भर के लिए नाइट में लगाइए, शाम को लगाइए और सुबह में वॉश कर दीजिए तो आपको हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा। और मैं यूज करके ही बताती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया कीजिए, असर ज़रूर दिखता है। किसी को ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखा आपने हेयर फॉल के लिए कितना बेस्ट है ये वाला टिप्स। तो अभी आपको मैंने यहाँ पे पोनी टेल बना ली है रबड़ बैंड लगा के, उसके बाद मैंने इस तरीके से क्लचर लिया हुआ है, क्लचर को रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से क्लचर को लगा लेना है, अच्छे से टाइटली क्लचर को लगा लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने क्लचर लगा दिया है। ओके, इस तरीके से सिंपली बालों को ट्विस्ट करके क्लचर के चारों तरफ इस तरीके से लपेटना है एंड यू पिन की मदद से उसको सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से भी आप एक हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, कहीं आपके बाल बहुत पतले हैं, स्टार्टिंग के बाल तो ठीक हैं, वॉल्यूम है, बट लास्ट में हमारे बाल क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस तरीके से भी आप पिनअप कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं। तो अगर शॉर्ट है तो आपको इस तरीके से क्लचर के बीच में से दो बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे मेरे बाल अभी शॉर्ट हैं तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और सिंपली आपको क्लचर के चारों तरफ लपेटना है एंड ऊपर में सेंटर में एक पिन लगा देंगे, नहीं तो ये सारा जो हेयर है वो क्लचर को हाइड कर देगा। तो थोड़ा सा क्लचर हमको दिखाना है यहाँ पे, अब इस तरीके से लपेटेंगे एंड क्लचर को ओपन करके एंड पार्ट को क्लचर के अंदर ही इंसर्ट कर देंगे एंड दूसरी साइड के भी हेयर को इस तरीके से रखेंगे एंड क्लचर के चारों तरफ से लपेटते हुए इस तरीके से लेके जाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहो तो क्लचर के अंदर भी हाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे यू पिन मैंने लगा दिया ताकि ये अच्छा लुक आए बालों हेयर स्टाइल का एंड नीचे में भी जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं उनको अच्छे से हाइड करते हुए यहाँ पे भी एक यू पिन लगा देंगे ऐसे। ओके, ये देखिए काफ़ी अच्छा और छोटे बालों में काफ़ी हैवी बन दिख रहा है और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और कोई जैसे खुले बाल रखने हैं तो उसके लिए भी एक हेयर स्टाइल बता दे रही हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके का फर्स्ट हमारा हेयर स्टाइल है। लेयर्स आपको निकाल लीजिएगा। जब आप लेयर्स निकालते हो तो लेयर्स को या तो फुल स्ट्रेट कर दीजिए या फिर कर्ली कर दीजिए, सिंपल लेयर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से लुक आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, आई होप कि पसंद आया हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ, पहले इसका फाइनल लुक देख लीजिए। ओके, तो दूसरा हेयर स्टाइल क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे बालों को जो पोनी बनाया था उसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा लूज करेंगे एंड इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और रबड़ बैंड को इस तरीके से दूसरी साइड से अच्छे से, एक भी बाल नहीं आना चाहिए फिंगर के बीच में, नहीं तो आपका जो ये पोनी टेल है उसको इंसर्ट करके निकालने में दिक्कत आएगी। ओके,
इस तरीके से खींच लिया मैंने और इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। ओके, ये एक क्लचर से दो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लचर को लगा दिया मैंने बालों को फैलाते हुए। अब हेयर जो पूरा हेयर है उसको इस तरीके से फैलाएंगे और एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे। सिंपल इजी क्विक हेयर स्टाइल है, छोटे बालों में अच्छे लगेंगे ये, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से किया है। अब क्लचर को जितना हाइड करना है उतना इस तरीके से खींचेंगे इसको, और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उसको अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। एक यू पिन से ही हो जाएगा, आप चाहो तो क्लचर के अंदर भी डाल सकते हो, यू पिन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा सिंपल सा इजी बन आपका बन के रेडी हो गया। नीचे के हेयर्स को जो बेबी हेयर्स है उनको इस तरीके से हाइड कर दीजिएगा और ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप क्या करोगे, एक फ्लावर वाला जो क्लिप्स आते हैं उनको लेना है और यहाँ पे सिंपली हेयर को थोड़ा सा लेके ऐसे लगा दोगे तो थोड़ा सा ये अच्छा लुक देता है, पार्टी लुक दे देगा आपको। ओके, और कोई भी यूपिन फ्लावर वाले आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, कुछ भी हेयर असेंसरी जो होती हैं हेयर्स को सजाने वाली वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा अच्छा लगा? एक क्लचर से दो ब्यूटीफुल से क्यूट हेयर स्टाइल है और बहुत ईजी है, सेल्फ है, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।